कि ये जो ब्रिज है ये पूरी तरह से खुल जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं हूं तमिलनाडु राज्य के मंडपम रेलवे स्टेशन पे। ये जो मंडपम रेलवे स्टेशन है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। हम लोग निकले थे चेन्नई से रामेश्वरम जाने के लिए। तो रामेश्वरम जाने के लिए जब हम लोग निकले थे तो वहाँ पर जो हमारी ट्रेन थी वो कैंसिल दिखा रहा था। तो हमने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में हमको पता लगा कि ये जो ट्रेन है अभी रामेश्वरम के लिए नहीं जाती हैं, मंडपम में ही मतलब यहीं पे स्टॉप होती हैं और जो सवारी वगैरह हैं वो मंडपम में ही उतर रही हैं। तो ये जो मंडपम है ये रामेश्वरम से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है और यहीं तक अभी लास्ट ट्रेन आती हैं। वैसे ट्रेन जो थी वो रामेश्वरम तक डायरेक्ट जाती थी। रामेश्वरम जो है वो एक आइलैंड है, भारत के भूभाग से अलग है। उस रामेश्वरम आइलैंड से जोड़ता है वो है पम्बम ब्रिज जो यहाँ पर बना हुआ है। लगभग 2 किलोमीटर का वो ब्रिज है, 2 से 2.5 किलोमीटर का। और उसको वो जो ब्रिज है वो बना था 1911 में, वो बनना शुरू हुआ था और 1914 में वो बन के तैयार हो गया था। लगभग 109 साल पुराना ब्रिज है। तो उस ब्रिज को आप लोगों को दिखाने वाले हैं और हम रामेश्वरम जाने वाले हैं। वैसे हमारी जो यात्रा थी रामेश्वरम से, मतलब चेन्नई से हम लोग रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट ट्रेन पकड़े थे। और पहले का जो एक्सीडेंस था, मतलब यहाँ से जो ट्रेन जाती थी ना वो पम्बम ब्रिज पर, उसका जो एक्सपीरियंस था वो अलग ही था। हम उसी एक्सपीरियंस को लेने के लिए आए थे। लेकिन फिलहाल अभी क्या करें, किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो बंद है ट्रेन। ऐसे ही देखेंगे। और उसके बगल में ही एक और बना हुआ है पुल जो लगभग 1988 में वो पुल बना था, जिसपे मतलब जो परिवहन है और वगैरह जो आवागमन उनका होता है। तो चलिए चलते हैं पम्बम ब्रिज और वहीं पे चल के आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं उसके बारे में। अभी हम लोग स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं। एक जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं कि अगर आप कहीं से यहां पे आ रहे हैं, जैसे मंडपम में आ रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि यहां से आगे जाने का क्या साधन रहेगा। तो इस जगह पे यहां पे बहुत सारी बस वगैरह खड़ी रहती हैं जो आप लोगों को रामेश्वरम छोड़ देंगी। उसका जो किराया है 25 रुपये पर पर्सन का रहता है। अगर आप यहाँ से ऑटो वगैरह करके जाएँगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, वो लगभग 500 रुपये लेते हैं वहाँ तक जाने के लिए बुक करके। तो इससे अच्छा यही है कि यहाँ पर बहुत सारी जब ट्रेन आती हैं तो यहाँ पर बहुत सारी बस वगैरह वैसे मिलती हैं, तो जिससे आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। और ये जो स्टेशन है ये कई जगह से कनेक्ट है। अगर हम उत्तर प्रदेश के बात करें तो उत्तर प्रदेश के ये 2 जगह से कनेक्ट है, एक तो अयोध्या से, दूसरा वाराणसी से। और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के अजमेर से यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन आती है। तो वो आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नीचे लगा दूंगा कि कहाँ कहाँ से ट्रेन यहाँ पे आती हैं। चलिए चलते हैं पम्बम ब्रिज और वो आप लोगों को दिखाते हैं। यार ना क्या है ये कूड़ा ना, दाड़ का कूड़ा, दाड़ का कूड़ा। एक यार मैं काफी देर से इसको देखते हुए आ रहा हूँ। कई जगह से, जगह जगह पे ऐसी दुकानें लगी हुई हैं, बहुत सारी हमको मिली थी। तो मैंने सोचा एक जगह पूछेंगे ये क्या है। ताड़ का गुड़, ताड़ का गुड़ है ना। हाँ, ये वाला ताड़। हाँ, ये इधर जो पेड़ है ना, ये जो ताड़ के पेड़ है तो उससे ये गुड़ बना हुआ है। आज तक हमने गुड़ खाया था गन्ने का, हमारी तरफ गन्ना बहुत होता है, लेकिन आज पहली बार मैं ताड़ का गुड़ दे रहा हूँ। कुछ छोटा सा दीजिए ना, थोड़ा सा आपने टेस्ट नहीं ये, बस इतना सा बहुत है। ये पता कैसा स्वाद है इसमें, गन्ने का जो गुड़ बनता है ना उसमें कोई भी मसाला असाला नहीं डलता है, उसके जैसा इसमें स्वाद है। अभी ज़्यादातर आप लोगों को साफ वाला जो गुड़ मिलता है ना उसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, लेकिन इसमें मसाला नहीं है। और ये क्या है ना, ये क्या? ताड़ी का गलकंड, 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 ताड़ी का। ये ताड़ी में तो नशा होता है, इसमें नशा तो नहीं होगा ना। नशा नशा ताड़ी बराबर जूम सर। ताड़ी इधर मिलता है क्या? ताड़ी मिल के इंगे लेना वनी उल्ला मन जुब। इधर लीगल या इलीगल ताड़ी? इलीगल है ना, इलीगल है। तो इसमें तो ये इलीगल नहीं है ना, ये लीगल है। ये ताड़ी का बना हुआ है लेकिन इधर लीगल है, इसका मतलब इसमें नशा नहीं होता है और उसमें नशा होता है। और ये क्या है? ये अदरक और जिंजर वाला मिक्सिंग। अच्छा, इसमें अदरक को मिलाया गया है, मैं समझ पा रहा हूँ। वैसे मेरे को लैंग्वेज समझ में नहीं आती लेकिन अदरक समझ के मैं समझ गया। तो इस तरह का ये क्या रेट है, क्या इसका भाव है, प्राइस? किलो 215 है एक किलो, मतलब 250 रुपये के जी ना। दोस्तों अभी हम लोग एक ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं। ये जो है इसको पम्बम ब्रिज बोलते हैं। जिस ब्रिज पर मैं अभी खड़ा हूँ ये ऐसे साधनों के लिए था, लेकिन रेलवे के लिए जो ब्रिज था वो सामने आप लोग देख रहे हैं ना, वो वाला वो ब्रिज था।
जिसमें इस तरह के ये जो पिलर हैं 143 पिलर हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिज है ना, मेन जो ब्रिज है पम्बम ब्रिज, वो वाला है सामने जो आप लोगों को दिख रहा है, वो ब्रिज है। उस ब्रिज की मैं एक खासियत आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो ब्रिज है ये पूरी तरह से खुल जाता है, इस तरह से खुल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये यहाँ पे एक लिफ्ट लगी हुई है, ऐसे करके खुल के ये नीचे हो जाती है पूरी लिफ्ट, और उधर का उस साइड खुल जाता है, बीच में से पूरा खाली हो जाता है ये। मतलब यहाँ पे अगर कोई बड़ा जहाज़ वगैरह, शिप वगैरह आता है ना, तो उसको निकलने के लिए यहाँ से जगह दी गई थी। और इसके बगल में ही वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दूसरा एक नया पुल बनना है रेलवे के लिए। और यहाँ पे ट्रेन अभी लगभग 4-5 महीने से बंद है। ये जो पुल है ये अभी बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना पुल हो गया है, 1911 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, और 1914 में ये मतलब स्टार्ट हो गया था, मतलब इस पर ट्रेन चलने लगी थी। अब यहाँ से कोई शिप वगैरह निकलती थी तो ये मतलब एक मैनुअल था, मैनुअल लिफ्ट इसमें लगी हुई थी, उसको उठा के इसको ऊपर कर दिया जाता था, दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया जाता था, बीच से शिप वगैरह यहाँ से निकल जाया करते थे। सेम इसी प्रकार से जो नया वाला पुल है ना, उस पर भी ऐसे ही बनना है कि अगर वहाँ पे भी इसी तरह की लिफ्ट वगैरह लगाई जाएगी और उसको भी ऐसे ही खोला जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे ना तो अभी भी इस पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, देखो वहाँ पे पेंट वगैरह हो रही है, तो इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और हो सकता है यहाँ पे ट्रेन वगैरह अभी चलाई जाए, अभी तो काफ़ी दिन से बंद है, कह नहीं सकते कि कब तक ट्रेन इस पर स्टार्ट होगी। कि हम मतलब जो मंडपम है, मंडपम से और रामेश्वरम के लिए ये पुल बना हुआ था, तो इस पुल के ऊपर से जब ट्रेन गुजरेगी तो कितना आनंद आएगा, ये सोच के हमने कई सारी वीडियो वगैरह देखी थी इंटरनेट पे। इसको जब हम देखते थे तो हमारा भी एक सपना था यार, इस ट्रेन में जाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे, देखेंगे, इसका आनंद लेंगे कि किस तरह का इसका जो एक्सपीरियंस रहता है, वो रहता है अनुभव इसका किस तरह का रहता है। लेकिन क्या करें, जब हम चेन्नई पहुँचे, चेन्नई से हम लोग रामेश्वरम के लिए जब ट्रेन देख रहे थे तो उसमें जो ट्रेन थी वो कैंसिल दिखा रहा था। बाद में हमको पता लगा कि ट्रेन अभी जो कैंसिल इसलिए है कि रामेश्वरम जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो मंडपम तक अभी जा रही हैं, आगे की जो ट्रेन है वो बंद है। कुछ जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है ना तो ये कंपन करते हैं, ये वाला पुल ये जब गुजर रहे हैं ये वाले वाहन, तो ये भी कंपन कर रहा है, हमें यहाँ पे महसूस हो रहा है। इसके ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तो ये कंपन करते हैं, तो अभी बता रहे हैं काफ़ी पुराना ये जो हो गया है पुल, तो इस वजह से इसको मतलब अभी बंद किया गया है। इसके जो दूसरी साइड में ना एक पम्बम गाँव है, वो भी एक आईलैंड है, उधर चलते हैं, उस साइड से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये क्रॉस करते हैं, ये जो है यहाँ पे ये पम्बम गांव है, काफ़ी खूबसूरत गांव है। इस गांव के अंदर आप देखेंगे ना सारे कोकोनट ट्री दिख रहे होंगे, तो बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। और इस साइड में ये देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारी जो नावें लगी हुई हैं, ये मछुआरों की नाव हैं, इनसे मछलियाँ लोग लाते हैं पकड़ के। अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, पहले हम इस वाले ब्रिज पे थे, ये जो ऊपर ब्रिज बना हुआ है, तो नीचे आए हैं। ये जो है, ये जो आप लोग ट्रैक देख रहे हैं रेलवे का, ये ट्रैक था पहले, इसी से ट्रेन जाती थी आगे, इस तरफ रामेश्वरम की तरफ निकल जाती थी। और यहाँ पे जो पम्बम ब्रिज है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है पामन पुल लिखा हुआ है, तो पाम्बन बोलते हैं इसको, पम्बन नहीं पाम्बन ब्रिज, वो लिखा हुआ है ना पाम्बन ब्रिज, हम पम्बन बोल रहे हैं तब से। पाम्बन ब्रिज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और देखिए अभी ये जो पटरियाँ हैं ना, इसको शायद निकाला जा रहा है क्या, इसको रिपेयरिंग किया जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ से निकाली जा रही है, वहाँ से देखो पूरा निकला हुआ है। यहाँ से जो नज़ारा ना कितना खूबसूरत बनना है उस पुल का, जो ऊपर जो पुल है ना, जिससे अभी मतलब बस वगैरह जो चलती हैं, गाड़ी वगैरह, वो जो ऊपर वाला पुल है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और तो यहाँ से जो पम्बन ब्रिज है वो स्टार्ट होता है, और यहाँ पे कुछ मछुआरों की नाव लगी हुई हैं, उस साइड में देखेंगे तो बहुत सारी नाव हैं, और ये पम्बन गाँव है। और हम वहाँ से आप लोगों को दिखाए थे ना कि वो जो बीच है उस बीच के पास में चलेंगे, तो ये यहाँ पे बीच है जहाँ पे बहुत सारी मछुआरों की नाव इस प्रकार से देखो लगी हुई हैं। तो ये लोग जो हैं ये मछली पकड़ने के लिए लोग जाते हैं, इस तरह के देखो ये जाल बंधे हुए हैं ना, इसमें ये पूरे जाल के ये बंधे हुए हैं, तो इन जालों से ये लोग मछलियों को पकड़ते हैं। अब ये पता नहीं कि कितने टाइम पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि इस नाव को कोई भी चला सकता है, मतलब समुद्र के अंदर डाला और कोई भी चला लो, लेकिन ये जो नाव होती है इनका भी इन लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है, और जिन लोगों के पास लाइसेंस होता है वही इन नावों को चला पाते हैं। तो यहाँ पे जो सभी नाव होती हैं उन पे नंबर भी पड़े होते हैं, ये देखो वहाँ पे वो दिख रहा है ना INDTN, और ये लिखा है 10MO 2384, तो ये नाव का नंबर है, जैसे अपनी गाड़ी का नंबर होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे नाव पे भी नंबर पड़े हुए होते हैं। जिस प्रकार से अपने गाड़ी का लाइसेंस लेना होता है, उसी प्रकार से ये नाव को चलाने का भी इन लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। अभी हम लोग तमिलनाडु में हैं तो इसकी बहुत सारी सीरीज आने वाली हैं, हम लोग यहाँ की बहुत सारी सीरीज बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।